हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम ट्यूटोरियल देखेंगे कैनन ईओएस आरपी का। अगर आपने नया नया ये कैमरा लिया है, आपको इसको बिल्कुल भी चलाना नहीं आता, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस कैमरे की पूरी जानकारी हो जाएगी। कैसे आपको इससे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कैसे आपको इससे फोटोग्राफी करनी है, डिफरेंट इसके मोड्स और कौन कौन सी बेसिक सेटिंग्स आपको चेंज करनी होगी, वो सब आप सीख जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको उसकी अपडेट मिलती रहे गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं एक बार आपको इस कैमरे का ओवरव्यू दिखा देता हूँ गाइस। तो अभी मैंने इसमें एक RF माउंट वाला अडेप्टर लगाया हुआ है, साथ में 50 mm f/1.8 वाला STM लेंस लगाया हुआ है। ये लेंस आपका DSLR का लेंस है, लेकिन आपके DSLR वाले लेंस को आप डायरेक्टली इस आर माउंट वाले कैमरे हाउस पे नहीं लगा सकते, आपको एक अडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने अडेप्टर यूज़ किया हुआ है, लेकिन अगर आपने एक बार अडेप्टर ले लिया तो आपके DSLR के फुल फ्रेम वाले सारे के सारे लेंसेज इस पे चल जाएंगे। और ये कैनन EOS RP कैमरा है, आप देख सकते हैं इसमें EOS RP यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपका एक फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है गाइस, और इसके लेंसेज बहुत महंगे आते हैं, इसलिए मैंने अडेप्टर लिया है और साथ में उन लेंसेज को मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस कैमरे में आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस मिल जाएगा, 26 मेगापिक्सल का इसका सेंसर है, फुली फ्लिप आउट आपकी स्क्रीन है, और इसके अंदर आपको माइक कनेक्ट करने के लिए भी पोर्ट मिल जाएगा और साथ में हेडफोन कनेक्ट करने के लिए भी मिल जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको एक अच्छा सा ओवरव्यू भी मिल जाएगा इसका। तो आप यहाँ से माइक और हेडफोन लगा सकते हो गाइस, ठीक है। अगर हम सामने से इसको देखें एक बार, तो सामने से ऐसा दिखता है। इस वाले बटन को दबा के आप लेंस को उतारते हो या अडेप्टर को उतारते हो या चढ़ाते हो, ठीक है। इस साइड कोई बटन नहीं है। इसका जो SD कार्ड है वो नीचे जो इसकी बैटरी है उसी के कंपार्टमेंट के अंदर जाता है गैस, तो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक है इसका। तो आपको अगर आपने ट्राईपोड पे इसको लगा दिया तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको SD कार्ड निकालने में। और पीछे से ये कैमरा कुछ ऐसा दिखता है, क्योंकि टच स्क्रीन है तो मेनूज़ वगैरह को चेंज करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इसमें। तो ये देख सकते हैं आपको मेनू का यहाँ पे बटन मिल गया, बाकी इन्फो का बटन है, ये बटन है, ये गोल गोल आपका डायल है जिससे कि आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो, प्लेबैक डिलीट का बटन, इसे जूम इन जूम आउट या ऑटो फोकस चेंज करने का, और एक डायल यहाँ पे दिया हुआ है चीज़ों को चेंज करने के लिए। और टॉप से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये इसका मेन मोड डायल हो गया, जिसमें आपको जैसे कि कैनन के सभी कैमरा होते हैं वही ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है जिस पे वीडियो कैमरा बना हुआ है, ये ऑप्शन आपका वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए है। उसके अलावा फोटोग्राफी अगर आपको अच्छे से करनी है तो फुली मैनुअल मोड, AV मोड एपर्चर प्रायोरिटी, TV मोड यानी टाइम वैल्यू या शटर प्रायोरिटी, और प्रोग्राम मोड, ठीक है। तो ये बेसिक आपको चार मोड इस पे कैमरे पे मिल जाते हैं गाइस। तो अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो आप M मोड यूज़ कीजिए, या AV मोड यूज़ कीजिए, या TV मोड यूज़ कीजिए, या फिर P मोड यूज़ कीजिए। P मोड बेसिकली आपका प्रोग्राम ऑटो मोड है, इसमें सिर्फ आप ISO वगैरह की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, बाकी चीज़ कैमरा खुद से डिसाइड करता है। तो अगर आप मेरी बात मानो, या तो आप M को यूज़ करो, या AV को, या TV को। M मोड में आप एपर्चर की वैल्यू को और शटर स्पीड को सेट करते हो, और बाकी चीज़ें कैमरा खुद से डिसाइड करता है। आप चाहो तो अगर ISO को आपने ऑटो पे डाल दिया है तो ISO भी कैमरा खुद से डिसाइड करेगा। EV वाले मोड में आप एपर्चर की वैल्यू को सेट करते हो और शटर स्पीड और बाकी चीज़ें कैमरा खुद से सेट करता है। TV वाले मोड में आप शटर स्पीड को सेट करते हो, एपर्चर और बाकी चीज़ों की वैल्यू कैमरा सेट करता है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि एपर्चर शटर स्पीड वगैरह आप कैसे सेट करते हैं इस कैमरा में। तो मैंने अब कैमरा को ऑन कर दिया है, ठीक है। सामने दिख रहा होगा ये गिटार, तो अभी ये आपका M मोड में है, ठीक है। अब आपको शटर स्पीड की वैल्यू आप देख सकते हैं, वो 1/640 दिख रही है। तो आप चाहो तो इसको टच करके भी चेंज कर सकते हो, तो इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है, तो क्योंकि टच स्क्रीन वाला कैमरा है, तो अभी मैं क्योंकि 50 mm का लेंस यूज़ कर रहा हूँ तो मैं 1/50 इसकी शटर स्पीड रखूँगा। जितनी आपकी फोकल लेंथ का लेंस है उतनी आपको शटर स्पीड रखनी है, अगर आपको शार्प फोटो चाहिए तो, ठीक है। तो मैंने 1/50 की शटर स्पीड कर दी, ठीक है। अब एपर्चर की वैल्यू को भी हम यहाँ से टच करके इजीली चेंज कर सकते हैं। तो एपर्चर की वैल्यू हम अगर कम रखेंगे तो कैमरे के अंदर ज़्यादा लाइट आएगी, क्योंकि अभी मैं घर के अंदर शूट कर रहा हूँ लो लाइटिंग सिचुएशन में, तो मैं एपर्चर की वैल्यू को कम रखूँगा, ठीक है। तो मैं एपर्चर की वैल्यू को 1.8, जो इसकी सबसे कम वैल्यू है, उस पर सेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 1.8 इसकी सेट हो गई है,
ठीक है, बाकी चीज़ों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इन वाले डायल्स को घुमा के इन वैल्यूज़ को चेंज करना है तो आप वैसा भी कर सकते हो। तो ये जो आपको ऊपर में ये डायल दिख रहा है, ये देखो, इसको मैं घुमा रहा हूँ तो शटर स्पीड की वैल्यू चेंज हो रही है गाइस, ठीक है। और ये जो पीछे में डायल बना हुआ है ये वाला, इससे अपर्चर की वैल्यू चेंज हो रही है जब हम फुली मैनुअल मोड में हैं। तो इस वाले कैमरे में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि दोनों चीज़ों के लिए इन्होंने आपको डेडिकेटेड डायल दिया हुआ है। तो इस वाले डायल से आप शटर स्पीड को चेंज कर सकते हो, और ये जो नीचे वाला डायल है इससे आप अपर्चर की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप टच करके भी चेंज कर सकते हो। अब फोटो अपने को क्लिक करना है तो बहुत सिंपल है, आपको जहाँ पे फोकस करना है आप टच करके भी फोकस कर सकते हैं। आपने देखो टच किया तो वहाँ पे फोकस हो गया, और इस शटर बटन को आप दबा के फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। देखिए कितना शानदार फ़ोटो आया है, बहुत ही बेहतरीन। हम हाथों से भी इसको जूम कर सकते हैं क्योंकि टच स्क्रीन है। शार्पनेस देखिए आप कितनी अच्छी है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप टच शटर को इनेबल कर सकते हैं। टच शटर को इनेबल करने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये वाला आइकन यहाँ पे दिख रहा होगा, ये तो टच शटर अनेबल, तो आपने अब इसको अनेबल कर दिया। तो अब होगा क्या कि मैं जहाँ पे टच करूँगा तो वहाँ पे फोकस भी हो जाएगा, साथ में फ़ोटो भी क्लिक हो जाएगा। अब जैसे मैंने गिटार पे क्लिक किया तो इसने फोकस भी किया साथ में और फ़ोटो भी क्लिक कर दिया, तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आप जहाँ टच करोगे वहीं पे फोकस होगा और तुरंत आपका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। तो अगर आपने इस ऑप्शन को अनेबल नहीं किया है तो आप इसको अनेबल कर दें, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपर्चर प्रायोरिटी वाले मोड की बात करते हैं, एवी मोड की। तो मैं अब मैंने इसको एवी मोड में डाला कैमरे को, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अपर्चर की वैल्यू कौन से बटन से चेंज होती है। तो पहला तरीका तो वही है यार, सिंपल, कि आप इसको टच करके इस तरीके से इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका है ये जो ऊपर डायल दिया हुआ है, तो जब आप एवी मोड में होते हैं तो ये ऊपर वाला ये जो डायल है, दिखा देता हूँ आपको, ये तो इससे अब आपकी एपर्चर की वैल्यू चेंज होगी जब आप एवी मोड में हैं। देखो आप एवी मोड में हैं, ठीक है, और जब आप फुली मैनुअल मोड में थे तो इससे आपकी शटर स्पीड चेंज हो रही थी और इससे आपकी एपर्चर की वैल्यू, ठीक है। तो हमने एपर्चर की वैल्यू को चेंज करते हैं, हम 2.8 करके देखते हैं इस बार, ठीक है। और हम करेंगे क्या, जैसे हमने पिछली बार किया था, टच किया, फोकस हुआ, फ़ोटो आ गया, शानदार फ़ोटो आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम टीवी वाले मोड की बात करते हैं। बहुत सिंपल है यार ये कैमरा यूज़ करना, बाकी कैमरे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब जिस बटन से हमने एपर्चर की वैल्यू को चेंज किया था, इस वाले से, अब देखो इसको हम घुमा रहे हैं तो शटर स्पीड की वैल्यू चेंज हो रही है। आप देखो, जानते, देखो 1/100, 1/100, ठीक है। तो इस बार हम 1/100 करके देखते हैं, ठीक है। अब बाकी देखो, इसने अपर्चर की वैल्यू को अपने आप ले लिया, हमें सेट नहीं करना पड़ा। मैंने ऐसे टच किया और फ़ोटो क्लिक हो गया, शानदार फ़ोटो आया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है यूज़ करना, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ISO और ये बाकी सब चीज़ें हैं, इनकी वैल्यूज़ को आपको कैसे ऑटो वगैरह करना है, कौन कौन सी बेसिक आपको सेटिंग करनी पड़ेगी इस कैमरे के लिए। अभी हम सिर्फ फ़ोटोग्राफी की बात कर रहे हैं गाइस, ठीक है। अब क्योंकि ये टच स्क्रीन कैमरा है तो आप सीधे टच करके भी कर सकते हैं। तो सबसे इजी तरीका मैं आपके बताता हूँ, ये जो क्यू करके यहाँ पे बना हुआ है ना आइकन, आप इसको टच करेंगे तो फिर आप ये डिफरेंट ऑप्शंस को चेंज कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो यहाँ पे क्यू बना हुआ है, इस वाले क्यू को भी आप दबा सकते हैं और फिर आप ऐसे नेविगेट करके इन डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस में जा सकते हैं गाइस, ठीक है। तो या तो आप इसको दबा लो, चलो इस बार हम इसको दबाते हैं। अब मैंने क्यू को दबाया, देखो ये सारे ऑप्शंस आ गए। अब हम बारी बारी से सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं नीचे ऑटो फोकस के डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। तो सबसे पहला वाला है लाइव ट्रैकिंग, ठीक है। दूसरे वाला है स्पॉट AF। स्पॉट AF में आप एक पर्टिकुलर स्पॉट पे आप ऑटो फोकस कर सकते हो। 1.AF में आपका सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस रहेगा, एक पॉइंट पे ही वो ऑटो फोकस को करेगा। दूसरे वाला है एक पर्टिकुलर एक बड़ा सा एरिया होगा उसमें ऑटो फोकस। लास्ट वाला है एक्सपेंड एरिया अराउंड, मतलब ये है थोड़ा और ज़्यादा एरिया में इसका ऑटो फोकस। और फिर जोन एरिया, इसमें आपके स्क्रीन पे 3-4 डिफरेंट जोन्स होंगे जिसको आप ऑटो फोकस कर सकते हो। अगर आपने बेसिकली नया कैमरा लिया है तो इसका ऑटो फोकस इतना शानदार है, मैं इसको हमेशा L+ ट्रैकिंग पे यूज़ करता हूँ। तो इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पे आप टच करेंगे वहाँ पे तो फोकस हो ही जाएगा, उसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट इधर से उधर मूव करता है तो ये कैमरा आपका कंटिन्यूसली उसको ट्रैक करेगा। और क्योंकि इसका ऑटो फोकस इतना ज़्यादा तगड़ा है तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी गाइस।
अगर आपका जैसे कोई सब्जेक्ट है इधर से उधर थोड़ा हिलता भी है, मूव भी करता है, तो ये कंटिन्यूसली उसको ट्रैक कर लेगा गाइस। तो आप इसको लाइव ट्रैकिंग में रख सकते हैं। तो क्योंकि ये सेटिंग मैं आपको एक बिगिनर फोटोग्राफर के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपके लिए वो ईजी रहेगा, ठीक है। तो आप इसको लाइव ट्रैकिंग पे कर दें। अब हम जाते हैं दूसरे ऑप्शन में, तो ऑटो फोकस ऑपरेशन। तो इसमें आपके दो ऑप्शन है, वन शॉट या सर्वो। तो सर्वो में अगर आप इसको रखोगे तो ये कंटिन्यूसली फोकस करने की कोशिश करेगा, और वन शॉट में आपका एक बार जहाँ ऑटो फोकस आपने फिक्स कर दिया तो वहीं पे ऑटो फोकस फिक्स रहेगा, वीडियो के दौरान भी और फोटो के दौरान भी कैमरा बार बार फोकस करने की कोशिश नहीं करेगा। तो मैं तो इसको सर्वो पे रखता हूँ, क्योंकि इस कैमरे के ऑटो फोकस इतना ज़्यादा शानदार है गाइस, मेरे को कोई भी फोकस हंटिंग नहीं होती, सब चीज़ें इतनी फास्टली काम करती है ऑटो फोकस में भी और ट्रैकिंग भी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको उस पर रख सकते हो AF सर्वो पे, ठीक है। तो हमने इसको सर्वो पे रख दिया। अब हम जाते हैं तीसरे ऑप्शन में, ड्राइव मोड। ड्राइव मोड को आप रखो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, सेटअप सिंगल सिंगल और कंटिन्यू। और ये वाला है ये आपका हाई स्पीड, अगर आपको 1 सेकंड में बहुत सारे कंटिन्यूस फोटो खींचने हैं, ठीक है, तो तब आप इसको सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। फिर आपका लास्ट ये आता है सेल्फ टाइमर, आप इसको तब चूज़ करो अगर आपने ट्राईपोड पे कैमरा लगाया हुआ है, आप टाइमर के साथ फ़ोटो लेना चाहते हो। पहले वाले में आपका 10 सेकंड का टाइमर है, दूसरे वाले में 2 सेकंड का है, ठीक है। और इसमें आपका टाइमर के साथ दो फोटोज़ लेगा है, ठीक है। तो आपने इसको डाला है तो टाइमर जब होगा पहले एक फ़ोटो लेगा, उसके बाद एक और फ़ोटो, दो फोटो लेगा, बाकियों में ये आपका एक सिंगल फ़ोटो लेगा। तो इसको आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे रखना है, सिंगल शूटिंग। तो आप एक बार दबाओगे इसको शटर को तो एक ही फ़ोटो क्लिक होगा, अगर आपने कंटिन्यूस में डाल दिया तो जब तक आपका शटर बटन दबा हुआ है कंटिन्यूसली खचखच खचखच ये बहुत सारे फ़ोटो लेता रहेगा। तो उससे आपका जो शटर है, जब बहुत ज़्यादा फ़ोटो लोगे तो शटर काउंट भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप उसको ना करो, जितने फ़ोटो की आपको ज़रूरत है उतने ही फ़ोटो क्लिक करो, बेवजह आपका शटर काउंट बढ़ेगा और बाद में आपका शटर ख़राब भी हो सकता है। अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है मीटरिंग का, ठीक है। तो मीटरिंग में आप देख सकते हैं आपको इवेल्युएटिंग मीटरिंग, ठीक है, पार्शियल मीटरिंग, स्पॉट मीटरिंग और सेंटर वेटेड मीटरिंग मिल जाती है, ठीक है। सेंटर वेटेड वाले में अगर आपका मेन सब्जेक्ट जो एकदम सेंटर में है तो आप इसको रखो, तो एक्सपोजर वो सेंटर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करेगा। स्पॉट मीटरिंग तब है कि आप एक पर्टिकुलर स्पॉट के हिसाब से आप मीटरिंग करना चाहते हो, तो ये तब बढ़िया रहेगी कि अगर आप कोई पोर्ट्रेट फोटो ले रहे हो तो आप इंसान के चेहरे पे फोकस करोगे, तो उस चेहरे के एक्सपोजर को ये अच्छा रखेगा, आपका चेहरा क्लियर दिखना चाहिए, तो तब आप स्पॉट मीटरिंग यूज़ कर सकते हो। पार्शियल मीटरिंग आपका जो सेंटर में एक गोला है उसके सिर्फ उसके हिसाब से, मतलब बाकी आजू बाजू में जो लाइट है उसको ये कंसिडर नहीं करेगा। और इवेल्युएटिंग मीटरिंग में पूरे के पूरे फ्रेम में आपकी जो लाइटिंग है, कहीं पे डार्क है कहीं पे ज़्यादा ब्राइट है, उस सब को ये एवरेज बना के अपना एक्सपोजर तैयार करेगा गाइस। तो अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी यूज़ करनी है तो आप इसको यूज़ करो, बाकी आप सेंटर वेटेड एवरेज को यूज़ करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको काफ़ी अच्छी एक्सपोजर मिल जाएगी। तो मैं इसमें सेंटर वेटेड वाले में इसको रखता हूँ, तो काफ़ी अच्छा देखो एकदम करेक्टली एक्सपोज मेरा फोटो आ गया है गाइस। अब हम बाकी ऑप्शंस पे जाते हैं। फिर आता है इमेज क्वालिटी। तो अब इमेज क्वालिटी में आपको दिख जाता है कि सबसे पहला है इन्फो रॉ, अगर आपको रॉ में शूट करना है, ठीक है, ये रॉ का थोड़ा छोटे साइज़ का हो गया। फिर ये हो गया मीडियम साइज़ में रॉ, ठीक है। फिर ये हो गया उससे भी थोड़ा और छोटा रॉ, ठीक है। और फिर ये वाला हो गया आपका और भी स्मॉल साइज़ में रॉ, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल नए नए फोटोग्राफर हो तो आप रॉ के बजाय आप जेपेग में शूट करो, वरना आपको फिर बाद में अलग से एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिससे आप रॉ की इमेज को उसमें जेपेग में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आपका मोबाइल में अगर आप इनको डालोगे रॉ वाले फ़ोटो को तो वो आपके कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आप रॉ के बजाय ये जो पहले वाला दिखा रहा है ये इस पर शूट करो, तो अब ये जेपेग वाले फ़ोटो को शूट करेगा। आप देखो ये जो आइकन बना हुआ है ये, ठीक है, आप इस पर रखो। अगर आप इसको रॉ पे रख दोगे तो अब ये रॉ वाले फ़ोटो को शूट करेगा। तो मैं इसको अधिकतर सिचुएशन में जेपेग पे शूट करता हूँ गाइस। तो जेपेग में मेरे को काफ़ी अच्छे फ़ोटो मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं कोशिश करता हूँ कि जब स्टार्टिंग में ही फ़ोटो ले ले रहा हूँ उसी को
अच्छा एक्सपोजर रखूं, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं फ़ोटो लूं फिर बाद में उसकी एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊं। ठीक है, तो आप इसको जेपैग में कर सकते हो, और जो इसकी क्वालिटी है मैक्सिमम रखो लार्ज, ये जो पहले वाला एल है इस पे आप सेट रखो इसको। ठीक है, फिर आपका आ गया मूवी रिकॉर्डिंग की सेटिंग। तो मूवी रिकॉर्डिंग की भी हमें जो क्वालिटी है, अब इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। तो ये हो गया आपका फुल HD 25 फ्रेम पर सेकेंड, ये हो गया आपका फुल HD 50 फ्रेम पर सेकेंड। तो मैं इसको 50 फ्रेम पर सेकेंड पे शूट करता हूँ फुल HD में। ज़्यादा फ्रेम 25 फ्रेम पर सेकेंड पे आप शूट करोगे तो वीडियो की थोड़ी क्वालिटी और शार्पनेस थोड़ी कम रहेगी। तो अगर आप इसको 50 फ्रेम पर सेकेंड पे शूट करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी शार्पनेस मिलेगी। तो आप पहले वाला ऑप्शन चूज़ कर लोगे। ठीक है, और फुल HD का। अब हम जाते हैं इस तरफ, तो आपका एंटी फ्लिकर शूट। तो इसमें आप अगर इसको ऑन कर दोगे तो आपका फ़ोटो में और वीडियो में फ्लिकर नहीं आएगा। तो आप इसको ऑन कर दो तो आपकी वीडियो अच्छी बनेगी। अब रही बात ऑटो वाइट बैलेंस की, ये है आपका वाइट बैलेंस। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये टंगस्टन, ये है आपका आउटडोर सिचुएशन के लिए जब धूप है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। ये शेड के लिए है, ये आपका क्लाउडी है तब, ये आप घर के अंदर टंगस्टन वाली पीली लाइट है तो उसके लिए है। ठीक है, ये आपका वाइट कलर की फ्लोरोसेंट लाइट के लिए, ये फ्लैश के लिए। ठीक है, इसमें आप खुद से कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो वाइट बैलेंस की। और ये आपका केल्विन में कलर टेम्परेचर को आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, कि क्या आपकी लाइटिंग सिचुएशन है उसके हिसाब से आप इसकी वैल्यू को सेट कर सकते हो। मैं इसको AWB पे डाल देता हूँ तो कैमरा अपने आप चूज़ कर लेता है क्या इसको वाइट बैलेंस रखना है, और अधिकतर सिचुएशन में कैमरा काफ़ी अच्छा काम करता है। अब पिक्चर स्टाइल आ गया, मैं इसको रखता हूँ स्टैंडर्ड पे, ये जो सबसे पहले वाला है, या ऑटो पे। ठीक है, या तो ऑटो पे डाल दो या सेकंड वाले पे स्टैंडर्ड पे डाल दो, ऑटो पे भी डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको बाकी आप इसमें न्यूट्रल या मोनोक्रोम इन सब फिल्टर्स को डालोगे तो उसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है आपको कि वो फ़ोटो को बहुत अजीब सा बना देंगे, ब्लैक एंड वाइट वगैरह। वो फिर मतलब बेसिकली जैसे इंस्टाग्राम फिल्टर डाल देता है तो उस टाइप के भी फिल्टर उसमें डाल देगा। तो हमें उस फिल्टर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें एकदम नॉर्मल फ़ोटो चाहिए। बाद में हमें कुछ इसमें एडिटिंग करनी है तो हम उसको कर सकते हैं गाइस। ठीक है, और ये ऑटो लाइटिंग मीटिंग ऑप्टिमाइज़र इसको मैं ऑफ रखता हूँ। और फिर ये जो लास्ट वाला है क्रॉपिंग आस्पेक्ट फैक्टर, इसको फुल रखो। अगर आप इसको फुल नहीं करोगे तो ये आपकी इमेज को क्रॉप कर देगा, जैसे ये जो आपको फ्रेम दिख रहा है इसको और छोटा कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको फुल रखता हूँ ताकि मेरे को पूरी की पूरी इमेज, जितना लेंस मेरे को इमेज दे रहा है वो पूरी की पूरी इमेज मेरे को मिल सके। तो ये बेसिक आपकी सेटिंग हो गई गाइस। ठीक है, अब मैं आपको ऑटो ISO को कैसे सेट करना है वो भी आपको बता देता हूँ गाइस। आप जब ये वाला बटन दबाएंगे इन्फो, ठीक है, अब आप क्यू को दबाइए तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शन। तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो 200 400। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे ऑटो पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप इसकी शटर स्पीड वगैरह की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि हम इसमें कैसे गए। तो इस पे जाने के लिए करना कुछ नहीं है हमें, हम ये इन्फो वाले बटन को दबाएंगे ना। देखो इस बार मैंने इन्फो दबाया तो ये लाइव व्यू आ गया। अब मैं दोबारा से इस इन्फो को दबाऊंगा। ठीक है, मैंने इस इन्फो को एक दो बार दबाया तो ये वाली स्क्रीन आ गई। तो इस स्क्रीन में भी मेरे को काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यही सब ऑप्शन जो हमने वहाँ से चेंज किए थे, हम इधर से भी काफ़ी सारे ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। बट सबसे मेन है आपका ISO। ISO को आप ऑटो पे डाल दो, कैमरा अपने आप डिसाइड कर लेगा क्या ISO की वैल्यू को रखना है। बाकी ये सब वैल्यूज तो हमने वहाँ से भी चेंज की थी। उसके अलावा आपका एक्सपोजर कॉम्पनसेशन भी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, इसको आप 0 पे रखो। इसकी वैल्यू को आपको प्लस या माइनस में तब करना होता है। अगर आपका फ़ोटो बहुत ज़्यादा डार्क आया है तो आप इसको प्लस में करो, अगर आप फ़ोटो बहुत ज़्यादा ब्राइट आया है तो आप इसको माइनस की साइड करो। बाकी देखो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे भी आपको दिख रही हैं, ये आपका ऑटो वाइट बैलेंस या पिक्चर स्टाइल। ठीक है, ये वाईफाई को ऑन ऑफ करने का है, ये वन शॉट और ऑटो फोकस वाला जो एरिया का है जिसको हमने लाइव ट्रैकिंग पे किया था। ठीक है, मीटरिंग भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपकी जो सिंगल शूटिंग है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखो ये सिंगल शूटिंग, या आपकी स्पॉट मीटरिंग होगी, इसको वन शॉट के बजाय हमने सर्वो पे करना था, सर्वो पे ही हो गया है। ठीक है,
तो यहाँ से भी आप बहुत इजीली अपनी सारी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। टच स्क्रीन है तो काफ़ी इजी हो जाता है आपके लिए काम गाइस। ठीक है, अब मैं आपको मूवी की रिकॉर्डिंग सेटिंग्स बता देता हूँ। मूवी को अगर आपको अच्छे से रिकॉर्ड करना है तो आप कोशिश करें कि आप इसकी जो माइक्रोफोन की सेटिंग्स है उसको मैनुअल रखें। तो उसको मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। उसके लिए आपको मेनू में जाना होगा। लास्ट वाला जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं साउंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको जाना है साउंड रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे। तो जब आपने कैमरा नया नया लिया होगा तो ये आपका ऑटो पे सेट होगा। अगर आप इसको ऑटो पे डाल दोगे तो कैमरा अपने आपके जो माइक्रोफोन है उसको अपने आप से कंट्रोल करेगा और उसमें माइक्रोफोन में नॉइज़ ज़्यादा आएगा। तो आपको करना क्या है, इसको डालो मैनुअल पे और जो रिकॉर्डिंग लेवल है स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे आगे की तरफ। तो आपको इसको बिल्कुल एकदम यहाँ पे एंड में लेके आना है। तो आप लास्ट वाले एरो के पास इधर पे ले आइए इसको। इतना लेवल आप डाल दोगे तो आपकी ऑडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी रिकॉर्ड होगी। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ और मेनू में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। बाकी सारी सेटिंग जो हमें करनी थी हमने उस वाले जो क्विक मेनू से ही कर दी। ये क्यू वाला बटन दबा के देखो, यहाँ से भी आप मूवी की रिकॉर्डिंग क्वालिटी को सेट कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे फुल HD 50 फ्रेम पर सेकेंड हमें शूट करना है, तो हम इसी को सेट करेंगे। ठीक है, बाकी अब हमारी सारी सेटिंग्स हो गई है। अब हमें मूवी रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए कैमरे को आप इस वाले मोड में डालो जिस पे हमारा ये वीडियो कैमरे का आइकन बना हुआ है। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे डाल दिया। अब इस पे डालने से पहले एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको आपके कैमरे में मैनुअल मूवी सेटिंग्स को ऑन करना पड़ेगा। अगर आप मैनुअल मूवी सेटिंग्स को ऑन नहीं करोगे तो आप मूवी रिकॉर्डिंग के दौरान शटर स्पीड और एपर्चर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो उसको चेंज करने के लिए आप ये वाला जो बटन है इन्फो का बटन दबा सकते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आपको एम का आइकन दिख रहा है तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहले वाला ऑप्शन है मूवी ऑटो एक्सपोजर, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके कैमरे में यही ऑप्शन आया होगा, लेकिन आपको इसको चेंज करके सेकेंड वाले में डालना है मूवी मैनुअल एक्सपोजर। मूवी मैनुअल एक्सपोजर आप इसको कर दोगे तो अब आप आपकी शटर स्पीड और अपर्चर की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। और उसको चेंज करने का सेम तरीका है, ये जो ऊपर का ये वाला डायल बना हुआ है ये वाला, इससे आपकी शटर स्पीड चेंज होगी। देखो हो रही है ना शटर स्पीड। और आपको अपर्चर की वैल्यू को चेंज करना है चाहे तो आप यहाँ से टच करके भी कर सकते हो, या फिर आप इस वाले डायल से भी कर सकते हो। देखो तो आपकी बड़े आराम से शटर स्पीड वगैरह चेंज हो जा रही है। अब सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप घर के अंदर शूट कर रहे हो इंडोर लाइटिंग सिचुएशन में, तो शटर स्पीड आप 1/50 या 1/100 या 150 या 200 वो रखो, क्योंकि हमारे घर के अंदर अगर लाइट्स जो होती हैं वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे चलती हैं, और अगर आप 50, 100 या 150 की शटर स्पीड रखोगे तो आपकी वीडियो में फ्लिकर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने 1/60 या 1/70 या 1/80 की शटर स्पीड रखी है तो आपकी वीडियो में फ्लिकर आएगा। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूरोप में आपकी 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे लाइट्स आ रही हैं, तो आपको शटर स्पीड आपकी 1/50 रखनी है। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ याद रखना, 1/50 रखो या 1/100, एपर्चर की वैल्यू को कुछ भी रख सकते हो। ISO हमने ऑटो डाल ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें मूवी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, तो ये जो सामने ऊपर रेड कलर का बटन दबा है इसको हम दबाएंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और क्योंकि इस वाले कैमरे का ऑटो फोकस बहुत अच्छा है, अगर आप खुद की वीडियो बना रहे हो तो आपके चेहरे को अपने आप ये ट्रैक कर लेगा, बशर्ते कि आपने इसको ऑन किया हो। देखो AF सर्वो, अगर आपने इसको टच, अब देखो ये ऑफ हो गया तो अब आपका कैमरा कंटिन्यूसली ट्रैक नहीं कर रहा। देखो मैंने इसके सामने हाथ किया तो अब ये उसको ट्रैक नहीं कर रहा, लेकिन अब इसको ऑन रखा हुआ है तो ये उसके दौरान भी फोकस करने की कोशिश कर रहा। देखो इसने मेरे हाथ को फोकस करने की कोशिश की। ठीक है, अब वापस से ये सोफे पे फोकस चला गया। तो अगर आप अपनी खुद की वीडियो बना रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, तो इसको ऑन रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, और ऑटो फोकस क्योंकि इसका इतना अच्छा है तो हंटिंग करता नहीं है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी मूवी रिकॉर्डिंग के दौरान। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप टच करके भी कहीं पे भी फोकस कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ टच किया तो इसने अब गिटार पे फोकस कर दिया। अब जैसे मेरा हाथ इसके सामने, मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ तो इसने मेरे हाथ को भी फोकस में लेने की कोशिश की।
क्योंकि मैं इसकी मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस के अंदर हूँ, तो इसलिए ये इसको इतने अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा। देखो इसने अब कर लिया मेरे हाथ को फोकस में। खैर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फोकसिंग करनी है। और देखो आप REC का यहाँ पे आइकन आ रहा है, तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है गाइस। और बहुत सिंपल है, जब आपको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है वापस से इस वाले बटन को दबा दीजिए ऊपर रेड बटन को, और आपकी वीडियो की रिकॉर्डिंग अब स्टॉप हो चुकी है। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सा कैमरा है यूज़ करने में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस कैमरे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी क्वेश्चन मेरे को भेज सकते हो। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में।